और पैदल चलते हुए ही यहाँ से आगे भी जाएंगे। आप लोगों से बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। अब हम आग्रह करेंगे, नेता है गुजरात में बड़ा विकास किए हैं मोदी जी, हम लोग भी वोट देंगे। गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं और पूरा आपके गांव से पंचायत से आपका बाल बच्चा गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोरोना बारी है वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। आप वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? वोट बेचिएगा नाली गली पर तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहाँ से लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे हो? चीची कर रहे हैं कि नेताजी लोग ठग लिए। हम आपको बताते हैं आपको कौन ठगा, अभी आपके सामने दिखाएंगे कि आपको ठगा कौन है। जरा सब लोग हाथ उठाकर जोर से बताइए आपको भाई, यहाँ जरा जिसको उसको है जोर से बोलिए, अपना बच्चा के लिए तो बोलिए है, बच्चा लोग के लिए चिंता बोल रहे हैं सब लोग। आप लोग चल के पैदल काहे चलते, पैदल चल के गांव में आए, रास्ता में आपका 100 गो बच्चा हमको मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़े नहीं, गरीबी है इसलिए बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो जिस नेता ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर फिर जाकर उसी नेता को वोट दबाइएगा, दबाइएगा कि नहीं दबाइएगा? तो अगर जाप अपने बच्चा के लिए धोखा कीजिएगा, अपने बच्चा के लिए धोखा कीजिएगा तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? आप तो अपने बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हैं, आप नेताजी को गरिया रहे, आप नेताजी को गरिया रहे हैं। बच्चा का चिंता क्या होता है अगर ये सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। बच्चे का चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम जब ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, अरे नहीं, हम जाएगा मुख्यमंत्री। दोष इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, आपको अयोध्या में मंदिर बनाना है,